हेलो फाउंडर्स, तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने जैसे कल बोला था कि हमंग वियतनामी जो वेबिनर है वहाँ पे ऐसर आए थे और उसका रिकॉर्डिंग भी आ चुका है, कल ही आ गया था। उसके बाद वो लगभग 1 घंटे का वेबिनर था और पूरा वीडियो, तो वहाँ पे ऐसर आए थे, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर का आंसर वेल दिया। तो वहाँ पर जो अपडेट था, मैंने कल बोला था कि बाद में मैं देख के वीडियो बनाऊँगा, तो ये हिंदी अपडेट है मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं जो जो ऐसर ने बोला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं हूँ दीपन, आप इस वक्त मेरे चैनल दीपन ऑन फेसिप पर है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमेशा आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तो वो लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि वो वियतनामी लैंग्वेज तो मुझे वियतनामी नहीं आता, तो वो लोग क्या बोल रहे थे मुझे मालूम नहीं। लेकिन हाँ, एसर का बात मुझे समझ में आ गया, क्योंकि एसर इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो भी बात था, एसर ने बोला पहले ही ये बोला कि हम एक ट्रेडिशनल आईटी कंपनी नहीं है, हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है? तो केवाईसी वाईसी बारे में जो भी बोल रहा था ऐसा ने बोला, वो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। उसके बाद ऐसा ने बोला, मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस बात को। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ये कि देखो, जो कंपनी बहुत सारा है होता है, आईटी कंपनी बोलो या कंप्यूटर कंपनी बोलो, जैसे कि डेल कंपनी, ठीक है? ये कंपनी क्या लैपटॉप बेचती है ना? तो इसके अलावा और एक कंपनी एप्पल है, डेल फिल बेचते हैं, ये एप्पल भी कंपनी, ये भी लैपटॉप बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं, जो भी है। तो इन दोनों का डिफरेंस यही है कि एप्पल इतना आगे है, ऊपर क्यों है, डेल कितना पीछे क्यों है। क्योंकि डेल जो प्रोडक्ट, सिर्फ उससे प्रोडक्ट पे फोकस करता है कि देखो मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा लैपटॉप का स्क्रीन का साइज ये है, बैटरी बैकअप ये है, प्रोसेसर ये है, आपको आप अगर खरीदोगे तो आपको फायदा होंगे, इतना कम प्राइस में मिल रहा है, इतना सारा कुछ फीचर्स मिल रहा है। लेकिन ये सब क्या बेच रहा है, डेल बेच रहा है, ठीक है? क्या क्या है, क्या है ये बेच रहा है क्यों, लेकिन एप्पल क्या कर रहे हैं, एप्पल बेच रहे क्यों, कि मतलब क्यों आप लेंगे, क्योंकि ये खूब हैंड्स फ्री है, देखने में सुंदर है, बहुत ज़्यादा सस्ते, मतलब बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक्स है, ठीक है? आपको आसान में यूज़ करने को मिलेगा, ये सब बोल के बेचते हैं। तो दोनों के पार्ट डिफरेंस यही है कि ये बेचते हैं जो चीज़ बेचते हैं इसमें अंदर क्या क्या है, व्हाट इज़ इन दिस, मतलब व्हाट बेचते हैं एंड हाउ बेचते हैं। लेकिन एप्पल क्या बेचते हैं, वाई बेचते हैं। बहुत कम ही कंपनी है, जो छोटा मोटा कोई कंपनी होंगे लगभग, मतलब अमाउंट में नहीं क्वांटिटी में बहुत छोटा होंगे, मतलब 2, 3, 4, 10, 20 कंपनी होंगे दुनिया में जो ये क्यों का आंसर देता है, ये क्यों आप खरीदेंगे। तो यही हम मॉडल अपनाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट हैंड्स फ्री है, बहुत ईजी टू यूज़ है, अंडर द वन अम्ब्रेला ऑल प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये क्यों का आंसर हम भी देंगे, हम भी एसी मॉडल पर बिजनेस करेंगे कि क्यों हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये सब बात चल रहा था। इसके अलावा ऐसा ने बोला कि आप हमारे जो प्रोडक्ट पैकेज है इसके बारे में शायद किसी ने बोल रहा था, ऐसा ने बोला कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आप कोई डिटेल्स नहीं है, मतलब सॉरी डिटेल्स मतलब कोई टाइम बाउंड नहीं है कि कब तक खरीद सकता है। पहले तो टाइम बाउंड था, अभी तो जब भी मन चाहे तब आप खरीद सकते हैं, आने के बाद जब दिल चाहे तब खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके बारे में कोई बताया था शायद मुझे, तो बोला मैंने वियतनामी नहीं आता, लेकिन जो भी बताया ऐसा ने उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिया। क्या बोला कि हमारा जो फ्यूचर है, हम सब कुछ सब 5 बिलियन कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, अगर पूरा 5 बिलियन नहीं आता है लेकिन इफेक्ट तो हम सभी के पास पड़ेगा। जो फ्री प्रोडक्ट है, अगर कोई लेना चाहता है, कोई प्रोडक्ट पैकेज बाय नहीं कर पाएंगे लेकिन वो फ्री का प्रोडक्ट यूज़ कर पाएंगे। ऑल फ्री प्रोडक्ट्स आर यूजेबल, सबके लोग के काम में आएंगे, बहुत ज़्यादा फ्री में इतना ज़्यादा फीचर्स दिया है, क्या बताएं। तो बहुत ज़्यादा फ्री में भी बहुत सब कुछ फीचर्स मिल रहा है, इसके साथ साथ पेड भी तो होंगे, ठीक है? कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो फ्री होंगे, ये नए बात है, सुन लो, कुछ प्रोडक्ट ऐसे की भी होंगे जो लाइफ टाइम के लिए फ्री होंगे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो मंथली रिन्यूएबल, मतलब एक बार आप रिन्यू किया उसके बाद सेकेंड महीने में फिर रिन्यू करना पड़ा, सेकेंड महीने में फिर थर्ड महीने में रिन्यू कर, ये भी होंगे। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो एक बार खरीद लिया, लाइफ टाइम में खरीदने का जरूरत नहीं। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रहेंगे, अभी इसके डिटेल्स में बात ऐसा आगे करेंगे। तो यही कुछ बोला था, वो कनेक्ट बारे में मैंने पहले भी बोल दिया था, फिर से एक बार इस वीडियो में बोलना
चाहता हूँ। इसके बाद और एक बात बताऊंगा, ये सुन लो, वो कनेक्ट के बारे में ऐसा ने बताया कि वो कनेक्ट अभी काम चल रहा है, बहुत स्मूथली रन कर रहा है। अभी 100 लोगों ने 200 300 लोगों ने वो मिल के क्या कर रहे हैं, मीटिंग का टेस्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। टेली प्रॉम्प्टर वो जो 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 फीचर्स है सब कुछ चेक कर रहा है, बहुत सही चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत हाई लेवल पे, थाउजेंड्स के लेवल पे वो हजारों हजारों लोग लेके वो एक मीटिंग करेंगे वो कनेक्ट के पास ऊपर, वो देखेंगे कैसे चले, उसके बाद जो हम लोगों को देंगे। तो लेकिन ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा लोग, मतलब 50,000 60,000 1,00,000 इतना ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर टेस्टिंग का कैपेसिटी एसर के पास नहीं है। एसर ने बोला कि ये सब तो रियल टाइम में होंगे, लेकिन हम इतना टेस्ट कर चुके होंगे उसके पहले, ये सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है। तो यही बात था वो कनेक्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले बाद में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि टूडे इज 1st सेप्टेम्बर, एस सर के पूछ और भी बात बताना चाह रहा था। एस सर ने बोला देखो यहाँ पर ये दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू से एवरी डिटेल्स अबाउट कंपनी जनरल अपडेट्स, जिसको कहते हैं मतलब कॉर्पोरेट वेबिनार का अपडेट्स। उन्होंने बोला मेरे पास तो अपडेट्स है जनरल, बहुत सारा कंपनी का अपडेट्स है, लेकिन वो यही सही प्लेस नहीं है। तो इसके लिए हम कॉर्पोरेट वेबिनार सेट किए, और वो कब है, वो टूडे इज इंडियन टाइम पे आज है रात 12:30 बजे। यहाँ पे आके एस सर बहुत सारा कुछ बताएंगे, बहुत अपडेट्स देंगे, जो कंपनी का जनरल अपडेट्स होता है वो हम लोगों को मिलता है वो देंगे। और इस अपडेट्स को आप जरूर मीटिंग को अटेंड करें, और इस अपडेट्स को आपको हिंदी में कल सुबह में इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना, एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।